माँ को वर्षा की बहुत चिंता हो रही है। इस हालत में वो घर का काम कैसे देखेंगी? वो तो वर्षा को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन दादू की वजह से चुप हो गई। मुझे तो लगता है कि दादू को घर लौट जाना चाहिए। और नहीं तो क्या, बेचारी वर्षा वहां अकेली परेशान हो रही होगी। और घर आ जाएंगे ना तो दादू का टेंशन भी कम हो जाएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है, आजकल तो ज्यादातर लड़के माँ बाप से अलग ही रहते हैं और सब काम भी मैनेज कर लेते हैं अकेले। और अगर भाभी माँ बाबू जी के साथ नहीं होती तो क्या वो स्टूल से नहीं गिरती? ये तो बस इत्तेफाक की बात है। लेकिन नैतिक, भगवान ना करे अगर वर्षा को ज्यादा लग जाती तो फिर उसे देखने वाला भी कोई नहीं था वहाँ पे। हाँ नैतिक, शुक्र है कि जब वर्षा गिरी तब अक्षरा से फोन में बात हो रही थी, नहीं तो अकेले कैसे मैनेज करती? जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं ना तो हमें उनका मूल्य पता नहीं चलता कि वो हमारी कितनी मदद कर सकते हैं, कितना ध्यान रख सकते हैं। बेटा, क्या तुम्हें अपने भैया और भाभी का अलग रहना ठीक नहीं लगता? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर बाबूजी ने कह दिया कि इन्हें जाने दो, तो मैं उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा भी हो सकता है ना कि वर्षा अलग रहना चाहती हूँ? नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा है, वरना आजकल की लड़कियां तो ब्याह होते ही पति को माँ बाप से अलग रखना चाहती हैं, अपना अलग संसार बसाना चाहती हैं। जमाना कितना बदल गया है। बात लेकर क्यों बैठ गए? घर में ब्याह हो रहा है। बेटा, तुमने सुनार को पैसे दे दिए और कह दिया ना कि जेवर जल्दी से बनाने हैं, अब समय नहीं है। वो माँ, माँ वो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वर्षा भाभी का फोन आ गया था तो हम वहाँ चले गए थे, और फिर जब भाभी के घर से लौटे तो सुनार कहीं ऑर्डर पहुँचाने चले गया था। चलो कोई बात नहीं बहू, कल सुबह सबसे पहले यही काम करना, उसे पैसे दे आना। गरम गरम खा, थक गया है। अरे वाह माँ, इतनी जल्दी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बना लिया। अच्छे से खाना। माँ कहने की जरूरत है, ये दमालू मुझे रोज थोड़ी मिलेंगे। और ऐसा टेस्ट तो आपके हाथ में हो सकता है। काकी एक पराठा लाना। अभी लाई। चल थोड़ा संभल के खाइएगा, कहीं ज्यादा खा लिया ना तो एक की जगह दो लोग बीमार पड़ जाएंगे। देखा माँ, आपकी बहू आपकी तारीफ सुन के जल गई है। जल कुछ मत कहना मेरी बहू के बारे में, लाखों में एक है। ओहो, बहू लाखों में एक, और बेटा? वो तो करोड़ों में एक है। अरे माँ जरा अचार दीजिए। अभी लाए। अरे माँ आप क्यों जा रही हो, धनिया से कह दो। सबको यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। सॉरी, इसका श्रेय सिर्फ मुझे जाता है, क्योंकि ना ही मुझे चोट लगती और ना ही आपको माँ के हाथ का इतना टेस्टी खाना मिलता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि काश आज मैंने सुनार को पैसे दे दिए होते, इन्हें रखने में बड़ी टेंशन हो जाती है।
आजकल तो आपको टेंशन लेने की आदत पड़ती जा रही है, थोड़ी सी मेरी भी फिक्र कीजिए। नैतिक, मुझे आज बहुत काम है। नन्ही दीदी के लहंगे के लिए मुझे दर्जी बुलाना है और रश्मि के साथ बैठ के सामान की लिस्ट भी बनानी है। मतलब क्यों मैं सबसे पीछे? मैं ऐसा नहीं चलेगा मैडम, पति का आदेश तो आपको मानना पड़ेगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी किस लिए ली है बताइए। मुझे क्या पता। नहीं पता। नैतिक, आज आपने मेरी बहुत मदद की है। इतनी गर्मी में आपने मेरे लिए डॉल बुक की। थैंक यू। आपका साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों बाद हमने साथ में वक्त गुजारा। मुझे हेलो। हाँ वर्षा, कैसे हो तुम लोग बेटा? तेरा पैर कैसा है? दर्द अब कम है ना? अभी काफी ठीक है। गोपी दादी देखिए ना, ये बोला मैंने सुन ली। अच्छा अच्छा, बजरंग वाली मैं सुनिए का क्या करूँ गोपी दादी? देखा अरे ठीक आने पर भी दवा लेता है क्या? अरे क्यों नहीं लेता? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वही धनिया भोला की शिकायत है। अच्छा तू बता, किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना बेटा? सुन मेरी बात, थोड़ा सा ही तो दूध है। अंशु, 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 मैंने चॉकलेट पाउडर डाला है। अच्छा सुन सुन, वर्षा, माँ कह रही थी कि मोच पर हल्दी और चूने का लेप लगा लेना, बहुत फर्क पड़ता है। क्या माँ? और ना करो, अंशु पापा, अरे अंशु पापा, और कितना दंग करेगा अपनी माँ को? नहीं माँ, मुझे नहीं पीना तो मैं नहीं। इतना हंगामा हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो माँ, मुझे लगी। अच्छा कैसा है तू? अंशु कौन है? अंशु, अरे ये पहले दूध पी। क्या माँ, अब मैं ऐसे पूरे बड़े छोटे से बच्चे के पीछे पड़े रहते हो? तो कोई छोटा बच्चा बच्चा नहीं माँ। अरे माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वही अंशु का रोज का हंगामा, दूध नहीं पी रहा है। तू बता तू कैसा है? तू ठीक है ना? अरे चुप करो सब, कोई बात करने देगा मुझे? हाँ बेटा अब बोल। अरे नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए, सबकी आवाजें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। लगता हूँ माँ सबकी आवाजें सुन के सच में घर ही पहुंच गया था। तने जेवर बनने के वास्ते दे दिए हैं? हाँ हाँ, आज बहू जाकर उन्हें पैसे दे देगी। ठीक है बेटा, सब ध्यान से करना, देखना कुछ छूट नहीं जाए। बहू सब अच्छे से लिख लिख कर कर रही है। मुन्ना, बेटा तूने मोहित से कह दिया था ना आने को? हाँ माँ, मैंने कह तो दिया है, वो आ ही रहा हो। जी, मोहित को ये साथ ले जाकर उसके कपड़े घड़ी वगैरह खरीद लेंगे। अक्षरा, मुझे एक गरम पराठा दे दीजिए, ये ठंडा हो गया। ये तो गरम है। अब वो मैं बहू, मुन्ना अगर कह रहा है गरम पराठा ले आओ तो ले आओ ना। नहीं माँ, अक्षरा का ये मतलब नहीं था, पराठा इतना ठंडा नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था।
मैं गरम पराठा लेकर आती हूँ। जीजू आ गए। राधे कृष्ण। आओ, आओ जमाई साहब, फिर आ जाओ। जी। लाओ भाई, नाश्ता कराओ। अरे नहीं दादाजी, मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ। हमारे साथ नाश्ता करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भाभी तुझे मीठा पसंद है ना? नहीं नहीं पसंद है बेटा। बस करिए, बस बस कैसे बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, पराठे भी आ रहे हैं। अरे भाभी माँ, बस बस पराठे तो देखो। अरे हाँ रश्मि, इसे कचौड़ी बहुत पसंद है, दो। क्या नहीं नहीं, आज तो आपको मेरे हाथ से खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अरे कल का उतार चुकाना है आपको। अक्षरा, मैं मोहित के साथ मार्केट जा रहा हूँ, तो आप कमरे में जाकर मेरे लिए एक शर्ट निकाल दीजिए। बहू, एक पर्दा भी निकाल देना जो तुमने बनवाए हैं उनमें से। सोच रही हूँ अपने कमरे के लिए भी वैसे ही बनवा लूँ। कैसे आप दादू? अच्छा शौर्य, बेटा आओ नाश्ता कर लो। अच्छा आइए ना दादू। आओ शौर्य। और बेटा कैसे आना हुआ? बस काका, आप सब लोगों की याद आई तो मिलने चला है। ऐसे मैं ऑफिस के किसी काम से आया था, सोचा कि आप सबका हाल चाल पूछ लूं। शौर्य दादू, मैं आपके लिए जलेबियां लाऊं? अरे नहीं नहीं, ये सब बहुत है। अरे अरे पूछ क्यों रही, चाचा के लिए। हाँ। वैसे मैं घर से नाश्ता करके आया था, पर आप सबको एक साथ इतने प्यार से नाश्ता करते देख मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो खाओ ना बेटा। जी। शौर्य बेटा, वर्षा कैसी है? ठीक है दादी, आपने बहुत अच्छी दवा बताई थी। वर्षा की मूंछ पर हल्दी और चूना लगाने से काफी आराम मिला उसे। हाँ बेटा, ये तो बरसों पुराना अजमाया हुआ नुस्खा है। अंशु, दादू को ऑफिस जाना है, बाद में कभी दिखा देना। अरे दादू फिर कब आएंगे? काकी, आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आज तो मैं अंशु का पूरा सेट देख के जाऊंगा। तो एक एक और भी हो जाए? हाँ हाँ हो जाए। चलो चलो, इससे पहले कि धनिया चुपके से और जलेबी रख दे, हम लोग चलते हैं। चलो दिखाओ तुम्हारा बैग। बेटा पहले नाश्ता तो कर ले। दादी आके कर लेते हैं, हम लोग मैं आता हूँ। आओ अक्षरा। सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। इट्स ओके, लेकिन मुझे सब समझ में आता है कि आपको गरम पराठा क्यों चाहिए। समझती हैं तो फिर ये काम करने का बहाना क्यों? बहाना? मुझे तड़पाना आपको अच्छा लगता है ना? आपको ऐसे सबके सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, ऐसा नहीं करते।
ऐसे क्या? वो कोई देख लेता तो? क्या देख लेता? कहा ना, फिर से कही। कहाँ भाग रही? आज तो आपको अपना वादा निभाना ही होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको अपने प्यार में बांध रहा हूँ। जब आप अपना वादा निभाएंगे तब छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ये क्या बात हुई? जाइए, फिर मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप अपना कल का दिया हुआ वादा पूरा नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नैतिक, आप समझते क्यों नहीं है? माँ आ रही है, छोड़िए मुझे। माँ आ रही है, नैतिक छोड़िए। क्या कर रहे हो आप? अक्षरा, अरे आप इसे बताइए। मैं पर्दा लेने आई थी। माँ मैं ला रही थी आपके पास। आप भी ना नैतिक, वक्त बेवक्त आपको कुछ भी सोचता रहता है। पता नहीं क्या सोच रही होंगी माँ। मैं तो थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ रोमांस करना चाहता था। अगर आपको सही नहीं लगा तो ठीक है। सुनिए, पर्दे नहीं ले। क्या हुआ, बहू नहीं मिली? अपने कमरे में है। मैंने उसे कहा था पर्दा देने को, लेकिन हंसी ठिठोली में लगी है। आजकल के बच्चे भी ना, बड़ों का लिहाज ही नहीं है। तो कह देती ना उसे। मेरे कहने का असर कहाँ पड़ता है उस पर? कितनी देर पहले कहा था कि पर्दा दे जा, लेकिन फिक्र ही नहीं है। हंसी मजाक करना है तो बाद में कर ले, पहले काम तो निपटा ले। बच्ची है छोटी दुल्हन, बात करने बैठी होगी। है कहाँ वो? अपने कमरे में मुन्ना के साथ। रहने दे, दोनों पति पत्नी के साथ में हंसने बोलने के यही तो दिन है। बाद में पलक झपकते ही जीवन गुजर जाता है। पर्दे हम बाद में देख लेंगे। क्या बात है? नंदनी के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई है और सब कुछ अच्छे से हो भी रहे है। इस बार तो तुम लोगों की मदद के वास्ते बहू भी है। आप चिंता मत कीजिए, बहू सारे काम अच्छे से देख रही है। बस न्योते देना रह गया है। पूरी बिरादरी ने निमंत्रण देना है। जाने लोग के कहेंगे। आपत्ति तो सबने होगी,
कोई आवेगा कोई ना। मैं तो ये सोच रहे हूं कि सबने के समझाऊंगा, ये तो मन की बात हो गई है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।